नमस्कार दोस्तों। दोस्तों इस तरह का जो भी हमारा विदेशी टार्च होता है इसका एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हर टार्च में लगभग आपको देखने को मिल जाएगा, जो इसका रबर होता है बटन, यानी ये बटन इसका ख़राब हो जाता है या कोई इसको नोच नाच के फेंक देता है। अब ऐसे में अगर आप किसी दुकानदार को आप इसे लगाने के लिए देते हैं तो ये आपको 25-50 रुपये चार्ज कर सकता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कैसे आप सस्ते में यानी बहुत कम पैसे में आप अपना ये बटन जो है वो खुद ही लगा सकते हैं। बस इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ सबसे पहले क्या है, इसे खोलना ही केवल एक मेन इसका वो है कि कैसे इसको खोलना है। खोलना अगर आपको आ गया तो समझ लीजिए आप किसी भी पार्ट को इसको रिपेयर कर पाएंगे बड़े आराम से। तो ये आपका एक पीछे से यहाँ से खुलता है, देखिए इस तरह से, ये यहाँ से हर टार्च में यहाँ से खुलता है। इस तरह का जो भी विदेशी टार्च आता है ये यहाँ से खुल जाता है। इसके बाद अब आपको सामने से इसका ये कवर खोलना, आगे का जो शीशा होता है इसे खोलना है। तो कुछ टार्च यहाँ से खुलते हैं, देखिए कुछ यहाँ से भी खुलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से कुछ यहाँ से भी खुलते हैं और यहाँ से तो लगभग सारे टार्च खुलते ही हैं। तो इस तरह से हम खोल लेते हैं। अब अगर यहाँ से खुलने वाला है तो यहाँ से भी इस तरह से कोशिश आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से ये खुलने वाला नहीं है, केवल ये इसका आगे का ही कटोरी खुलने वाला है, ठीक है। अब इतना खोल लेने के बाद अब आपको इस टार्च में देखिए, अगर आपको सामने से ये नट लगा हुआ दिखाई दे, जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर एक, देखिए दोनों साइड में आपको एक कोन बना हुआ है, ठीक है। इस तरह से अगर दिखाई देता है तो समझ जाइए कि इसको यहाँ से हमें खोलना है। तो इसको आप चिमटी या कुछ इस तरह का कोई भी औजार लेके और यहाँ लगा के आप इसको बड़े आराम से देखिए इस तरह से खोल सकते हैं। ये खुल गया, ठीक है। ये खुल जाने के बाद अब जब आगे से ये हमारा नट खुला है तो जाहिर सी बात है हमारा सामने की ओर ही निकलेगा, तो आपको क्या करना है, पीछे से इसे इस तरह से आप धक्का दे सकते हैं। लेकिन इसमें दोस्तों धक्का देने वाला इधर नहीं है, क्यों, देखिए जैसे ही हमने खोला यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा जो है ये एलईडी वाला हिस्सा जो है वो हमारा बाहर आ गया, ठीक है। एलईडी वाला हिस्सा बाहर आ गया, अब यहाँ दो पार्ट में चूँकि बना हुआ है तो जो एलईडी वाला हिस्सा बाहर आ गया इसका मतलब जो पीछे वाला हिस्सा ये बचा हुआ है ये हमारा पीछे की साइड में निकलेगा, ठीक है। किसी किसी टार्च में आपका ये दोनों सब एक ही में लगा होता है तो आप यहाँ से धक्का दे देंगे तो ये आपका सामने की ओर निकल जाएगा, लेकिन ये पीछे की साइड निकलेगा। तो अब हम यहाँ से इसको देखिए इस तरह से यहाँ से धक्का देंगे तो ये हमारा पीछे की साइड की ओर निकल जाएगा, देखिए ये हमारा पीछे साइड में ये निकल गया है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसका स्विच लगाना यानी रबर लगाना है। तो रबर लगाने के लिए देखिए कंपनी का जब आता है तो इसमें एक इस तरह का आपको ये सेपरेटर मिलता है प्लास्टिक का, इसमें एक प्लास्टिक का और बटन होता है जो हमारा इसको जाके यहाँ पे दबाता है, लेकिन ये कस्टमर ने गिरा दिया है या कहीं गायब हो गया है तो अब इसमें वो चीज़ तो फिट नहीं हो पाएगा। तो अब हमें क्या करना है, देखिए मार्केट में इस तरह से आपको ये रबर मिल जाएगा, इस तरह से रबर मार्केट में आपको इजली दो पाँच दस कुछ भी आपके मार्केट में मिल सकता है, 5 से 10 रुपये में आपको ये रबर जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। अब रबर तो आप ले लेंगे लेकिन अगर इसी तरह से इसको आप लगाना चाहेंगे तो भी आप सेटिंग नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको एक चीज़ यहाँ करना होगा, देखिए इसका ये घाट बना हुआ है, ये देखिए ये घाट जो बना हुआ है इसी साइज़ का रबर हमको चाहिए। तो ये साइज़ का तो आपको लगभग मार्केट में नहीं है मिलेगा, हाँ। तो अभी आप ऐसे देख लीजिए, देखिए साइज नहीं बैठ रहा है, देखिए बड़ा हो रहा है, ठीक है ये। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जितना यहाँ पे बड़ा, देखिए जितना बड़ा हो रहा है उसको आपको कैंची से इसको काट देना होगा। तो आइए हम इसको बता देते हैं कैसे, आपको देखिए इसी साइड से काटना, इस साइड से नहीं काटना है, ठीक है। ये वाला साइड से आपको दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा ये कट कर देना है इस तरह से, ठीक है। इस साइड से मैंने काट लिया और थोड़ा सा हम इस साइड से भी इसको काट लेंगे, देखिए ये दोनों साइड से कट गया। अब हम नाप लेंगे कि हमारा सही से बैठ रहा है या नहीं, तो अभी भी थोड़ा सा ये ओवर है, इसको हम सेटिंग से कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा और दोनों साइड से काटेंगे तो हमारा उस साइज में एकदम चला आएगा। इस तरह से हमारा देखिए अभी ये अब लगभग ये साइज का देखिए हो चुका, देखिए अब ये हमारा एकदम साइज का हो चुका, उसमें एकदम फिट ये बैठ जा रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ आपको एक बार दबा उबा के देख लीजिए
इसका स्विच दब रहा है कि नहीं, अच्छी तरह से दब रहा है। उसके बाद अब आप इसमें यहाँ जो होल है, इस होल में आप इस रबर को ऐसे बैठाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से आपको यहाँ बैठा देना है। अभी देख लीजिए, यहाँ शायद आपको दिख जाए, बस ये रबर आपका बाहर आ जाना चाहिए और ये बराबर रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ आपका जो ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को इसी दिशा में देख के, यहाँ आपका स्विच लगा हुआ है तो ये स्विच वाला हिस्सा यहाँ इसके सीधे में करके और इसे आप यहाँ पे अच्छी तरह से यहाँ धकेल देंगे और ये आपका लग जाएगा। अब यहाँ स्विच को हम एक बार दबा दबा के यहाँ देख लेंगे कि हमारा अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ हमारा अच्छे से ये काम कर रहा है। अब हमें क्या करना है, इस पार्ट को हमें यहाँ वापस फिर से बैठाना है। तो इसके नीचे एक स्प्रिंग लगा हुआ था, इस स्प्रिंग को भी हमें यहाँ पे बैठा देना होगा। तो यहाँ पे देखिए स्प्रिंग को हम इस तरह से लगा देते हैं। स्प्रिंग को लगाने के बाद अब इसके ऊपर हम अपना एलईडी वाला पार्ट इसके ऊपर रख देते हैं और फिर यहाँ अपना जो नट था, इस नट को भी हम यहाँ पर लगा के और अच्छी तरह से यहाँ टाइट कर देंगे। हाथ से थोड़ा सा जो टाइट हो जाता है, नहीं तो फिर अपने चिमटी से इसको अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। देखिए हमारा लगभग टाइट हो चुका है। अब आइए इसे हम यहाँ बांध के अपने सेल के साथ इसको चेक कर लेते हैं। तो अभी देखिए हमारा जो टॉर्च है ये बिल्कुल सक्सेसफुली यहाँ मतलब जल भी रहा है अच्छी रोशनी के साथ। ये जल अभी जब हम कटोरी यहाँ लगा देंगे तो इसका रोशनी डबल हो जाता है। देखिए इस तरह से, चूँकि वो फैल के आता है और जब कटोरी लग जाता है तो इसका रोशनी जो है वो बंध जाता है, ठीक है। ये बंध के फिर तब फोकस के साथ ये जलता है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना कोई भी जो टार्च हो, अगर इस तरह का आपका रबर मतलब ख़राब हो जाता है या गायब हो जाता है तो उसको आप महज 5 से 10 रुपये में आप ला के और अपने घर पे भी इसको लगा सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।